फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केटिंग के अंदर जो मार्केटिंग है उसका रोल क्या है। उसका रोल किसके लिए, कि फर्म के लिए क्या रोल है, कि फर्म में मार्केटिंग के थ्रू क्या किया जाता है। अब ये हमें पता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि मार्केटिंग क्या करती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग में की जाती है। यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले ही, प्रोडक्ट जब तक बनाना स्टार्ट भी नहीं किया जाता तब से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद तक मार्केटिंग चलती रहती है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो फर्म के अंदर इसका क्या रोल है, क्या किया जाता है इसके थ्रू। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मीनिंग है कि हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर, मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, कि कस्टमर को किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब तक फर्म को यही पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट कौन सा चाहिए कस्टमर को, प्रोडक्ट कैसा चाहिए, किस टाइप का चाहिए, किस कलर, किस क्वांटिटी में चाहिए, तब तक हम कोई भी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये फर्म के लिए बेनिफिशियल होता है, ये इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग के थ्रू ही कलेक्ट की जाती है। सेकंड उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसका एनालिसिस करना, जो सूचना है, सूचनाओं का विश्लेषण कहा जाता है इसे। ये है आपका सूचनाओं का विश्लेषण। सूचनाओं के विश्लेषण में ये कहता है कि इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए यूज़फुल है, और जिसको आगे यूज़ किया जा सकता है। और ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन एनालिसिस में क्या है, स्टडी की जाती है कि कौन से एक्चुअल में कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्या रिजल्ट निकला है उसका, और वो प्रोडक्ट कस्टमर को कितने प्राइस में चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कहाँ चाहिए, प्लेस कौन सा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको एनालाइज करने का काम किया जाता है एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशंस में, सूचनाओं के विश्लेषण में। उसके बाद मार्केटिंग का रोल नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है डिसीजन टेकिंग में, कि हमने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, तो उसके बाद है डिसीजन टेकिंग। डिसीजन टेकिंग मीन्स निर्णय लेना। अब निर्णय लेना किसका, जो प्रोडक्ट है उसको बनाया जाए या फिर ना बनाया जाए, यानी प्रोडक्ट बनाना फर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा या हार्मफुल रहेगा, तो क्या किया जाए, ये जो है ये डिसीजन लिया जाता है। और ये डिसीजन अगर हम देखें, ये डिसीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये डिसीजन लिया जाता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा बनाना या फिर हार्मफुल रहेगा। यानी जो प्रोडक्ट, अगर ये देखा जाएगा डिसीजंस, जो इन्फॉर्मेशन है उनको एनालाइज करते हुए, अगर फर्म को ये लगेगा कि प्रोडक्ट बनाने का बेनिफिट हो सकता है, इसकी मार्केट में डिमांड भी है और ऐसा प्रोडक्ट फर्म बना सकती है, तो फिर डिसीजन ले लिया जाएगा कि फर्म के द्वारा ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। और अगर फर्म को ये लगेगा कि नहीं, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, फिर जो फर्म है फिर उससे आगे और किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पादों की उपलब्धता। अब उत्पादों की उपलब्धता क्या है, कि जितने उत्पाद फर्म ने बनाए हैं, फर्म क्या करती है, फर्म का टारगेट यही होता है कि फर्म क्या करती है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे कस्टमर को अवेलेबल करवाती है, जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड भी है कस्टमर्स के द्वारा और जो कस्टमर्स चाहते हैं। तो यहाँ क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं
प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, किसको? कस्टमर्स को, क्योंकि कस्टमर्स को प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाने वाला कौन है? वो फर्म है। तो फर्म के लिए बेनिफिट ये है मार्केटिंग का यहाँ पर, कि मार्केटिंग के थ्रू ही कस्टमर को, जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वही अवेलेबल करवाया जाता है, ताकि जो कस्टमर है वो मार्केट से उसको परचेज़ करे और परचेज़ करने के बाद उसको यूज़ कर ले। और जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करता है, प्रोडक्ट को यूज़ करने से जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही प्रोडक्ट बनाया था। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने ऐसी डाली है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी क्वालिटी बनाई है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया है, वही क्वालिटी उसके अंदर डाली है, वही प्राइस है उसका जो कस्टमर चाहता था। तो फिर उससे होगा क्या कि जो कस्टमर है वो अपने आप सेटिस्फाई होगा, और यही हम चाहते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, जो कंज्यूमर है जो कंज्यूम करेगा उसको वह सेटिस्फाई हो। और अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है तो कंज्यूमर के सेटिस्फाई होने का बेनिफिट जो है वो आगे जाकर फर्म को मिलता है। और बेनिफिट किस चीज़ में मिलता है? मार्केटिंग का जो नेक्स्ट रोल है वो बेनिफिट मिलता है इसके रूप में। क्या आ गया है? इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स क्या है? इंक्रीज इन सेल्स है आपका बिक्री में वृद्धि। ये है आपका बिक्री में वृद्धि। अब बिक्री में वृद्धि क्या है कि जैसे ही कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो सेल्स जो है फर्म की वो अपने आप बढ़ जाती है। अब सेल जब बढ़ती है तो सीधी सी चीज़ है, साथ के साथ और क्या बढ़ते हैं? प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, और प्रॉफिट ही बढ़ाने होते हैं किसी भी फर्म को। सेल करने का पर्पज़ क्या है? सेल करने का पर्पज़ है प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना, और प्रॉफिट्स ही इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। प्रॉफिट जब बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट के बढ़ते ही हम ये कह सकते हैं कि फर्म ने जो पर्पज़ डिसाइड किया था वो फुलफिल हो जाता है। तो ये है आपका फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जो उद्देश्य हैं उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो फर्म ने जो टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट फर्म को प्राप्त हो जाते हैं, वो टारगेट फर्म को मिल जाते हैं, और फर्म यही चाहती थी। मार्केटिंग करने का पर्पज़ ही यही था कि किसी तरह से फर्म के टारगेट पूरे हो जाएं, फर्म की सेल इंक्रीज़ हो, सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, और प्रॉफिट जब बढ़ेंगे तो फर्म का पर्पज़ अपने आप पूरा हो जाता है। क्योंकि कोई भी फर्म, फाइनली देखिए कि कोई भी फर्म आपकी किस चीज़ के लिए स्टार्ट की जाती है? प्रॉफिट्स के लिए ही स्टार्ट की जाती है। अगर कोई फर्म लॉस पर सेल करती रहेगी तो वो फर्म कुछ टाइम तक ही मार्केट में एग्जिस्ट करेगी, कुछ टाइम नहीं टिकेगी, उसके बाद वो फर्म अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कह रहा है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, वो पूरी तरह से पूरे हो जाते हैं फर्म के, और उनके पूरे होने के बाद फर्म का जो पर्पज़ है वो अपने आप पूरा हो जाता है। और लास्ट वन इसके अंदर आता है, जो लास्ट रोल है मार्केटिंग का, वो है आपका ग्रोथ पॉसिबल। ग्रोथ पॉसिबल मींस कि जैसे जैसे फर्म के टारगेट पूरे होते हैं उसकी सेल्स बढ़ती है, उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ने से फर्म की ग्रोथ होती है, और जैसे जैसे फर्म की ग्रोथ होती है, फर्म की ग्रोथ होने से फर्म का जो टाइम पीरियड है मार्केट के अंदर वो बढ़ता चला जाता है। फर्म का जो टाइम पीरियड है वो आगे और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे जैसे फर्म का टाइम पीरियड बढ़ता है, फर्म के टाइम पीरियड बढ़ने से जो फर्म है वो आगे और ज़्यादा एक्सपेंड कर लेती है अपने आप को, क्योंकि जो प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे फर्म री इन्वेस्ट कर देती है। री इन्वेस्ट कहाँ करती है? री इन्वेस्ट करती है फर्म बिजनेस के अंदर ही, और बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करने से जो फर्म के प्रॉफिट हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है आपका यहाँ पर जो रोल है, रोल किसका? मार्केटिंग का। मार्केटिंग का रोल आपका किसके अंदर? मार्केटिंग का रोल आपका जो है किसके अंदर है? वो है आपका फर्म के अंदर, कि फर्म के लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये हमने इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट किए हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, और कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से लेकर जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वो स्टेप लास्ट जो ग्रोथ पॉसिबल है उसके साथ अटैच्ड है।
क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट कस्टमर को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा तो ग्रोथ अपने आप होगी। तो इंफॉर्मेशन अपना रोल प्ले करती है फर्म की ग्रोथ के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्म के अंदर जो रोल प्ले करती है मार्केटिंग, तो आप इनको कर सकते हैं अच्छी तरीके से।